वेलकम टू कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। हमारे पास आज के लेक्चर में हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। होगा कुछ ऐसे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का बेसिक मकसद ये है कि आपके जितने भी दुनिया में केमिकल रिएक्शंस अगर हो रहे हैं वो किस बेसिस पे और किस लॉज पे, जो कंपाउंड्स बन रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, वो किस बेसिस पे बन रहे हैं। इसमें हमारे पास चार लॉज हैं। सबसे पहला जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ, जिससे आप वेल अवेयर होंगे, जो कि बड़ा ही एक हर साइंस का बेसिक लॉ है। आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए, कोई भी चीज़ रिएक्ट होने से पहले उसका मैस और रिएक्ट होने के बाद कंजर्व रहता है। मतलब कि मैस बिफोर द रिएक्शन एंड मैस आफ्टर द रिएक्शन इज सेम। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2 प्लस O2 इक्वल्स टू H2O। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगा देते हैं एंड यहाँ 2 लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन थी, 32 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन थी, तो 36 ग्राम हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होगा। तो दिस इज़ योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के, मतलब कि जब हमने रिएक्ट करवाया तब भी कलेक्टिव मैस 36 था, एंड जब हमारे पास प्रोड्यूस हुआ तब भी हमारे पास कलेक्टिव जो वेट था वो 36 ग्राम था। तो इसका अगर हम सिंपली डेफिनेशन लिखें, द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टेंट substances is equal to final weight of products। तो आपके पास ये रिएक्शन आएगा। लैंडॉल्ट एक साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस वाकई अप्लाई होता है नहीं। उसने एक एच ट्यूब ली, एच साइज की ट्यूब ली, और उसके अंदर उसने AgNO3 एंड HCl डाला। एक साइड AgNO3 डाला और एक साइड HCl डाला और इनका वेट कर लिया। जब इनका उसने वेट किया तो फॉर एग्जांपल उसके पास 100 वेट आया, एंड उसने उसके बाद इस ट्यूब को शेक किया और हिलाया। ट्यूब दोनों साइड से क्लोज्ड है, ट्यूब को शेक किया और हिलाया, तो उसे क्या हुआ, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, NO3 जो है Cl यहाँ शिफ्ट हो गया और NO3 H के साथ हो गया और नाइट्रिक एसिड बना दिया। तो AgCl बन गया प्लस HNO3 बन गया। तो यहाँ पे जो कंपाउंड्स थे वो चेंज हो गए और AgCl बन गया और HNO3 बन गया, लेकिन ट्यूब में अभी भी 100 ग्राम ही मैस था, जिससे ये साबित हुआ कि इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस प्रूव होता है। एक ऐसा फिनोमेना है जिसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, जिसके अंदर एनर्जी इमिट होती है, वहाँ पर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है, काफ़ी साइंटिस्ट ने उस पर आर्ग्यू किया था और डाउट उठाए थे, लेकिन वो भी बाद में प्रूव हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस वहाँ पे भी ओबे होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूरेनियम है, क्योंकि यूरेनियम रेडियो एक्टिव है तो ये हर वक्त अपने आप को डिवाइड करता रहता है, क्रिप्टॉन प्लस बेरियम प्लस 3 न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं। अब होता क्या है, जो यूरेनियम का मैस है ये इन तीनों के मैस के बराबर नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैस है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम का, दिस इज़ नॉट इक्वल टू द मैस ऑफ क्रिप्टॉन प्लस मैस ऑफ बेरियम प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नॉट ओबे होता है, लेकिन इसके लिए जो आर्ग्यूमेंट आया गया कि यूरेनियम जब इसमें डिवाइड हो रहा है तो वो साथ एनर्जी भी इमिट कर रहा है, जो एनर्जी मैस की थी और एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अकॉर्डिंग टू द लेजेंडरी इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन, E इज इक्वल्स टू MC2, वो जो मैस यहाँ पे नहीं था वो मैस एक्चुअली एनर्जी में कन्वर्ट होके
इमिट हो गया। तो इससे ये साबित हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस यहाँ पर भी ओबे होता है। इसीलिए कहा जाता है कि देर इज नो डिटेक्टेबल, जो डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, गेन और लॉस इन आ केमिकल रिएक्शन। सो हमेशा एनर्जी आपकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्व रहेगा। आज का जो दूसरा लॉ हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। इस लॉ के मुताबिक हमारे पास ये थ्योरी है कि अगर आपका कोई भी कंपाउंड है जो उसके कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि अगर आप H2O उठाते हैं और आप CO2 उठाते हैं और या कोई भी एक और कंपाउंड आप उठा लेते हैं CO3, तो इसका रेशियो है 2:1, इसका रेशियो है 1:2, इसका रेशियो है 1:1:3। आप कहीं पर भी इस कंपाउंड को उठा लें, पूरी दुनिया में कहीं भी इस कंपाउंड को उठा लें, इस कंपाउंड में उठा लें, जब भी रिएक्ट होंगे वो इसी कंपोजिशन में रिएक्ट होंगे, इसी कंपोजिशन में रिएक्ट होंगे। और अगर इनके हम मैस की कंपोजिशन निकालें तो वो है हमारे पास 2:16, 1:8। मतलब आप कोई भी वाटर का सैंपल ले लेंगे, वाटर का, तो उसके अंदर हमेशा जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो ये रहेगा। एंड अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 12:32 विच इन द एंड बिकम्स 6:16 एंड 3:8, वो ये रहेगा। और हमेशा इसका जो रेशियो होगा वो कैल्शियम का, फॉर एग्जांपल हमारे पास वेट इसका होता है 48, यहाँ होता है 12 और कैल्शियम का होता है 40। तो जो इसका रेशियो 26 एंड हमारे पास 24, फिर 10, 3 एंड 12, और जो ये रेशियो है ये भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब आप कहीं पे भी इस तरह भी किसी भी कंपाउंड को उठा लें किसी भी फॉर्म में, तो जो उनका आपस में एलिमेंट्स का रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बनती है कि डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम कंपाउंड, यानी कि कोई भी CO2, CCO3 कुछ भी हो, ऑलवेज contains same ratio by mass। For example, आपके पास एक तरफ आपके पास H2O है और O2 है और ये react होकर 2H2O बना रहे हैं। आपके पास यहाँ पे जो हमने example दी थी 4 ग्राम है, ये 32 ग्राम है और ये 36 ग्राम है। अगर ये 4 ग्राम 32 से मिलेगा तभी ये 36 बनाएगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 4 ग्राम 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देता हूँ तो ये कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इनका रेशियो 1:10 हो जाता है। हालांकि हमें 1:8 चाहिए, जो इसका एक्सेसिव 8 ग्राम है वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो दिस इज योर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, कि हमेशा वही रेशियो रिएक्ट करेगा। तो और सिमिलरली ये हर केस के लिए वैलिड है कि कोई भी आप रिएक्शन उठा लें तो उसके अंदर हमेशा जो आप अगर एडिशनल कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा डाल देंगे तो वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेगी, एक रेशियो में हमेशा मखसूस में रिएक्ट किया जाता है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से, किसी भी लेक्चर या सब्जेक्ट के हवाले से कोई भी रिकमेंडेशंस या डिमांड्स हों तो ज़रूर कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस रब्ता कीजिए। थैंक यू। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।